हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीजीपी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये एक ट्रे पेंटिंग, जो कि काफ़ी डिफरेंट है मेरे रेगुलर वीडियोस से एंड जो भी पैटर्न में फॉलो करती हूँ उससे ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक वुडन ट्रे। ये मैंने इत्सी बित्सी से काफ़ी टाइम पहले लिया था। मैं इसका लिंक आपको दे दूंगी, अगर आप चाहें तो इसे भी आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है यहाँ पे ये कैनवस रोल। आप चाहें तो कोई पुराना ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको न्यू ट्रे ही यूज़ करनी है। आप प्लास्टिक, मेटल, वुडन कोई भी ट्रे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे जो कैनवस रोल है उसे मैं अपने ट्रे की साइज़ का मार्क कर लूँगी एंड कट कर लूँगी। तो कोई भी पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले हम पहले देख लेंगे कि जो हमारा कैनवस रोल है, जो शीट है, वो परफेक्टली फिट हो रहा है हमारे ट्रे के अंदर, सो दैट कि हमें बाद में एक्स्ट्रा मेहनत ना करना पड़े। नेक्स्ट मैंने लिया है ये एक प्रिंट जिसे मैंने खुद डिज़ाइन किया है एंड इसका जो रील है वो मैंने इंस्टाग्राम पे अपने शेयर किया है, आप चाहें तो वहाँ पे चेक कर सकते हैं। एंड अब क्योंकि ये थोड़ी सी छोटी हो रही थी डिज़ाइन में A4 पेपर के अकॉर्डिंग, तो मैंने यहाँ पे दोनों डिज़ाइंस को, जो लेडी हैं एंड जो चाय नगरी मैंने लिखा है, इन्हें दो पेपर पर डिफरेंट डिफरेंट मैंने प्रिंट आउट्स ले लिए हैं सो दैट मुझे थोड़ा सा बड़ा मिल जाए। अब कार्बन पेपर की हेल्प से मैं इन डिज़ाइंस को अपने जो शीट थी उसके ऊपर हम ट्रेस कर लेंगे। तो ट्रेसिंग हो चुकी है, अब हम इसे करेंगे पेंट। तो यहाँ पे मैंने सारे एक्रेलिक कलर्स यूज़ किए हैं। कलर कॉम्बिनेशन कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं। मैंने यहाँ पे सबसे पहले रेड कलर लिया है, उसे थोड़ा सा डार्क कर लिया है ब्लैक कलर मिक्स करके एंड उससे मैं इनकी चुन्नी पेंट कर रही हूँ। तो आज के इस पेंटिंग की बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। बेसिकली इस पेंटिंग को बनी ठनी पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। अब इसका नाम बनी ठनी क्यों पड़ा, इसके पीछे की कहानी को आज हम जानते हैं। वैसे तो आप में से बहुत लोग जानते होंगे, बट जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं आज ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ। बनी ठनी राजस्थान रियासत के तत्कालीन राजा सावन सिंह की दासी एवं प्रेमिका थी। राजा सावन सिंह सौंदर्य एवं कला की कद्र करने वाले थे। वे खुद भी एक बड़े अच्छे कवि एवं चित्रकार थे। उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत से कलाकारों को मान सम्मान एवं आश्रय दिया। बनी ठनी ना केवल सुंदर थी बल्कि वे एक उच्च कोटि की कवित्री भी थी। अब ऐसे में कला और सौंदर्य की कद्र करने वाले राजा बनी ठनी की तरफ आकर्षित होने लगे। राजा और दासी दोनों ही कृष्ण भक्त थे। राजा का अपनी तरफ आकर्षण देखकर दासी ने भी राजा को कृष्ण और खुद को मीरा मानते हुए खुद को राजा को सौंप दिया। वहाँ की प्रजा ने भी इन्हें ढेरों मान सम्मान के साथ इन्हें कई नए नामों से नवाजा, जैसे नगरी दास, चितवन, अनुरागी, मतवाले। अब एक बार राजा सावन सिंह ने, जो कि एक चित्रकार भी थे, अपनी दासी को महारानियों वाली पोशाक और आभूषण पहनाए एवं एकांत में उनकी एक चित्र भी बनाई और उस चित्र को नाम दिया बनी ठनी। अब राजस्थानी भाषा में बनी ठनी का अर्थ होता है सजी धजी, सजी सवरी। राजा ने उस चित्र को अपने राज्य के एक चित्रकार निहाल चंद को दिखाया। अब निहाल चंद ने भी उस चित्र में कुछ चेंजेस बताए। वे सारे चेंजेस करने के बाद भी राजा ने इस चित्र को निहाल चंद के अलावा किसी को नहीं दिखाया। राजा ने निहाल चंद से अपने सामने इस चित्र को वापस बनवाया और फिर उसे अपने दरबार में प्रदर्शित किया। प्रजा को ये चित्र बहुत पसंद आई और लोगों ने काफ़ी प्रशंसा की और इसके बाद दासी का नाम बनी ठनी पड़ गया। तो ये थी आज की इस बनी ठनी पेंटिंग की कहानी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। वेल, इस गोल्डन पेंट के बारे में मैंने काफ़ी टाइम बताया है अपने वीडियोस में कि ये पेंट मैं लोकल हार्डवेयर स्टोर से 2 साल पहले लेकर के आई थी एंड सेम कंटेनर मेरा अभी तक चल रहा है। तो आपको सिर्फ लोकल स्टोर में यही कहना है जाकर के लोकल हार्डवेयर स्टोर में कि आपको गोल्डन पेंट चाहिए एंड वो आपको 5,500 रुपये की पेंट आती है वो आपको दे देंगे। अब नेक्स्ट हमारी पेंटिंग्स हो चुकी हैं। अब यहाँ पर मैं जो मेरा ट्रे है उसके ऊपर मैं फेविकॉल की हेल्प से अपनी इस शीट को स्टिक कर दूंगी। हमें ध्यान रखना है कि कहीं पे भी कोई बबल वगैरह ना रह जाए, हम अच्छे से इसे
स्टिक करेंगे एंड इसे कम्प्लीटली ड्राई होने तक रखेंगे। अब आती है जादू की बारी। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ रेजिन, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। एंड इस बॉक्स में आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको ग्लव्स पहन लेना है। ये ग्लव्स इस डब्बे में नहीं था, ये अलग से मैंने लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे वेइंग मशीन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इस रेजिन के बॉक्स पे उन्होंने बाय वेट लिखा है। तो मैंने रिस्क नहीं उठाया, मैंने सोचा जब फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ तो वाई टू टेक अ रिस्क। एंड इसके बाद यहाँ पे 3:1 का रेशियो मैंने लिया है। आपको रेजिन एंड हार्डनर मिक्स करना है। तो मैं यहाँ पे रेजिन एंड हार्डनर बाय वेट ले रही हूँ। तो दोनों को मिक्स करने के लिए एटलीस्ट आपको 5-10 मिनट्स कंटिन्यू स्टर करना है, सो दैट कि इसके जो बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं एंड ये एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड बन जाएगा। जब तक आपको ये हेजी दिख रहा है तब तक आपको कंटिन्यू स्टर करना है। एंड इसके बाद जो हमारा ट्रे है वो कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है, पेंटिंग प्लस जो हमने स्टिक किया था वो भी। अब इसके ऊपर हम इस तरीके से अपना जो रेजिन है उसे इस तरीके से हम पोर कर देंगे एंड यहाँ पे जो मैंने आइसक्रीम स्टिक लिया था उसी की हेल्प से मैं इसे स्प्रेड करूँगी। तो रेजिन मिक्स करने के बाद आपके पास 45 मिनट्स का टाइम होता है जिसमें आप रेजिन के साथ खेल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से रेजिन को स्प्रेड कर दिया है अपने पूरे पेंटिंग के ऊपर। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अच्छे से स्प्रेड हो गया हो, कहीं पे भी कोई डॉट या कोई पैच ना रह जाए। एंड इसे मिक्स करने के बाद एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए हम इसे कम्प्लीटली ड्राई होने देंगे। हम इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे हम अपनी इस ट्रे को रख रहे हैं, अपने रेजिन आर्टवर्क को रख रहे हैं, वो सरफेस बिल्कुल फ्लैट हो, बिल्कुल भी स्लैंट या टिल्टेड ना हो। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये एक रेजिन आर्ट डेको पाज पेंटिंग जो कह लीजिए एक ट्रे रेडी है, जिसमें हमने मिक्स मीडिया काम किया है। तो आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ येस, डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @bzb16। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, bzb के नाम से ही मेरा पेज है। एंड क्योंकि अभी बहुत कम लोग हैं वहाँ पे, तो मैं रेगुलर वीडियोज़ वहाँ पे नहीं डाल पाती हूँ, बट येस श्योर आई एम ट्राइंग कि मैं वहाँ पे वीकली एटलीस्ट 1-2 वीडियोज़ ज़रूर अपलोड करूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।